कौन नहीं चाहेगा कि एग्जाम हो, परंतु जो हालात है देश के अंदर, कई बाढ़ आई हुई है, कोरोना की अलग प्रॉब्लम है, और साथ में जो मालूम है कि ट्रेनें और फ्लाइट भी सुविधा नहीं हो पा रही है, होटलें बंद पड़ी हुई है, और ये जेईई और नीट में जो एग्जाम देते हैं बहुत ही अपने कैरियर बनाने के लिए पूरी मेहनत करते हैं, और वो अपने पेरेंट के साथ जाते हैं वहाँ पर, उनके सेंटर कहाँ दिए हुए हैं, वो वहाँ कैसे पहुँच पाएंगे, होटलें बंद पड़ी तो कैसे रुक पाएंगे, बाढ़ आई हुई तो वहाँ कैसे बच्चे आ पाएंगे, तो स्थिति अलग बनी हुई है। मतलब कोई नहीं चाहेगा कि एग्जाम नहीं हो। राजस्थान में हमारे जो एग्जाम हो रहे हैं कई जगह पर, गांव-गांव में सेंटर, इसलिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं किसी प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके वो एग्जाम दिलवा दें। वो बड़ी मुश्किल काम है, वो भी हमारे सामने। तो एग्जाम के हम पक्षधर हैं, परंतु जो स्थिति जेईई और नीट में बनी हुई है, वो ऑल इंडिया एग्जाम है, लाखों बच्चे बैठेंगे, उस रूप में सरकार को सोचना चाहिए। अनावश्यक ऐसा इश्यू बन गया, और ये छात्र ऐसे हैं जो बिना कारण के ना वो हड़ताल करते, ना वो धरना देते, ना वो आक्रोश व्यक्त करते। उनका तो एक ही देख, हम कैसे जेईई और नीट में पास कैसे हों, अपने कैसे कैरियर बनाएं। मैं चाहूँगा कि सरकार खुद आगे आके सोचे कि जो लाखों बच्चे एग्जाम बैठने जा रहे हैं, उनके पेरेंट्स पे क्या गुजर रही होगी, कितनी चिंतित होंगे, क्या होगा आगे आने वाले वक्त में। समय बहुत कम बचा है, जल्दी फैसला करे, और अगर पोस्टपोन करना पड़े तो सरकार को हिचक नहीं करनी चाहिए। मेरा मानना है कि जो निर्णय करे, छात्रों की क्या भावना है, पेरेंट्स क्या सोचते हैं, उसके अकॉर्डिंग टू करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि सरकार संवेदनशीलता के हद पेश आएगी और एग्जाम को पोस्टपोन करने के लिए तैयार हो जाएगी। धन्यवाद।